गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो भाई, आज बन रहा है नाश्ते में प्याज के पराठे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने दिखाया आपको शॉर्ट में कि आज बन रहे प्याज के पराठे। विशु के लिए पास्ता बना था, हमारे लिए प्याज के पराठे बन रहे हैं। और विशु, आज पता है आज गुरु पूर्णिमा है, और ये जो है ना, ये अकेले बच्चे को ड्रॉप करने गए थे, और गुरु पूर्णिमा पे वहाँ पे क्या हुआ, मतलब बच्चे को लेने से पहले सरस्वती जी की वंदना हुई, करवाई और पापा का पैर छूने को बोला, और मैं नहीं गई थी, मैं लेने जाऊंगी। बोलो नहीं, मैं भी करवाऊंगी। नहीं, बट वो पहला तो पहला होता है ना, बट चलो इट्स ओके। नहीं, मैंने उनको बोला कि इनकी मदर सबसे ज्यादा मिस करेंगी। नहीं नहीं, सर, पेरेंट्स जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स जो पहले टीचर होते हैं, तो पहले टीचर का सौभाग्य जोड़ना चाह रहे हैं। आते ही मुझे चढ़ा भी रहे हैं कि आपने मिस कर दिया सुष्मिता जी। मैंने कहा क्या मिस नहीं, कर दिया? नहीं, मूवमेंट तो अच्छा था ही। मैंने कहा कि मैं अच्छा तो और किस्मत की बात, मेरे पास फोन ही नहीं था। मैंने कहा फोन करता तो आ ही जाती, कैसे भी करते। मैं तो आ जाती भाग के भाई, आटा गूंथ चुकी थी, बस मैं पराठा सेकना चालू कर दी क्योंकि अभी मिस्टर सिंह ऑफिस निकले। मौज आई ना, तो चलिए इनको ऑफिस। हां, अब इनको बहुत मौज आएगी। हां, समझ नहीं, नहीं मौज गया, बहुत अफसोस हो रहा है। हां नहीं, मैं चलो आए, अब ये ऑफिस निकल रहे हैं, और बस मैं भी अपना काम वर्क करके, चलो मैं भी तैयार हूं, फिर आपसे मिलती हूं। बाय बाय। चलो भाई, विशु को लेने का टाइम हो गया। और इधर देखो, अभी तक प्ले स्टेशन आया नहीं है। देखो ये कब रेडी होता है, बच्चे कब से वेट कर रहे हैं। देखो कार भी वॉश करवा दी गई है, क्योंकि बारिश में बहुत गंदी हो गई थी, मस्त चमक गई। अब सारे बच्चे निकल जाते हैं, मेरा वाला पता नहीं क्यों इतनी लेट निकलता है, अभी तक नहीं आया है। 10 मिनट्स हो गए। चोमी वेरी गुड स्टार, ये दे 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 नहीं, बस वन हैंड ओनली स्टार लेके ही आए विशु। देखो क्या है, हैवी है, बैग में क्या डाला है? कोई बात नहीं, कम विशु। आज स्कूल में प्रेयर करी सरस्वती जी की? छोरा से छोड़ दिया है, इट्स ओके। इधर से नहीं, स्टेयर से विशु, मम्मा से रेस। अच्छा अच्छा, ये कैसा रहा स्कूल विशु? स्कूल कैसा था? ये देखो, अब थोड़ा सा भाव खाएंगे। जैसे सुबह लगता ही नहीं है, ये वही बेबी है, वही बेबी है। ये देखो कितने आराम से सो रहा है, और मैं दिखाऊं, ये देखो बगल में क्या रखा हुआ है। ओ, ओ, ओ। स्कूल से आने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि क्या ही करके आए हैं। और इधर मिस्टर सिंह भी ऑफिस से आ चुके हैं। हेलो, हाँ गुड, थैंक यू। और आज हमारे घर कोई आने वाला है, हमारे घर कोई आने वाला है, मिस्टर सिंह जा रहे हैं मिठाई लेने के लिए। क्योंकि जो आने वाला है वो है मेरे मायके से। तो ससुराल वाले का ख्याल रखना पड़ता है, देखो दुनिया में कहीं से कोई आया उसका आप इग्नोर कर सकते हैं, पर ससुराल से कोई आ रहा है तो उसका ख्याल रखना पड़ जाता है। अभी मिस्टर सिंह बेचारे ऑफिस से आए, अभी भाग रहे हैं मिठाई लेने के लिए। चलिए फिर मैं संभाल के आता हूँ, तब तक ये तैयारी करिए। हाँ, करिए। और अभी हमने शाम की चाय नहीं पी है, सोच रहे हैं वो आ जाए तो साथ में ही चाय पिया जाए। तो चलिए आते हैं। तो पहले मुझे पता है, मैं बिना पूछे किसी को अपने ब्लॉग में लेती नहीं हूँ, तो मैं पहले पूछूंगी और फिर आप लोगों से भी मिलाऊंगी। और नहीं मिलाई तो आगे कंटिन्यू होगा ब्लॉग। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। ये सब तैयारी चल रही है? नहीं, ये तैयारी नहीं है। अगर मतलब डिनर का प्लान होता तो मैं बहुत कुछ बनाती कि मैं एक सब्जी बनाने वालों में से नहीं हूँ। बट उन्होंने बोला कि उनको किसी कलीग के साथ डिनर करना है, तो उन्होंने कैंसिल किया हुआ है। तो मैंने कहा चलो जब तक वो आ नहीं रहे, मैं अपना एक सब्जी ऐसे तैयार करके रख देती हूँ। लेट है, अभी आने जाने में उनको तो पूरा टाइम निकल जाएगा। तो मैं कहा एक मटर पनीर बना के रख देती हूँ कि मैं इन केस अगर लेट हो जाए तो मैं ऑफर तो कर सकूँ। ये देखिए भाई, तेल गरम हो रहा है, ये सब चीजें हैं। अभी कुछ नहीं है, बना रही हूँ, ये मैंने मसाले पीस लिए। हाँ देखो भाई, इन लोग की गपशप चल रही है। भैया हेलो कर दो सबको, मेरे व्यूअर्स जिसमें से आधे से ज्यादा तो जानते ही होंगे आपको।
बट भैया बहुत कम देर के लिए आए हैं, इस बार डिनर करके नहीं जा रहे हैं। पिछली बार आए थे टाइम लेके आए थे ना डिनर करके। अभी दो दिन हूँ मैं। हाँ अगर टाइम मिलता तो हाँ फिर हम आपसे मिलवाएंगे आपसे। चलो भाई बाय बोलने का टाइम आ गया, भैया जा रहे हैं। चलो भैया बाय करो बाय। फ्री रहे तो आ जाना। गोली वाला नहीं आना होगा तो आना नहीं, आना ही वो गोली नहीं देते हैं। वो जब नहीं आना होता था तो बोल देंगे कि मैं यहाँ आ रहा हूँ पर मैं आ नहीं पाऊंगा। नाना नहीं मामा, मामा अपने हाउस जा रहे हैं। मामा को इसे बाय कर दो। बाय कर दो। चले गए भैया। कितनी कम देर के लिए आए थे। ऐसा पता है हम लोग इतनी दूर रहते हैं ना कि घर से जब कोई आता है तो लगता है कि कम से कम एक दो दिन तो रुके। हाँ। और ये एक दो घंटे वाला पता नहीं चलता है। तो भाई अभी हमारे घर कोई नेक्स्ट टाइम से जब भी आना ना तो टाइम लेके आना। हम लोग भूखे हैं गेस्ट से। हम चाहते हैं कि हमारे घर से और बार बार के लोग आए। नहीं आप दूर रहते हैं ना तो आपको लगता है कोई आए तो यार बात करने में मजा भी आता है। पहले पापा जी आया जाया करते थे पर अभी तो मतलब जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से देखो पापा जी कब आते। दो तीन महीने पापा कर लेते तो मौज आती थी। पापा जी अपना अलग चल रहे थे। विशु को बहुत मौज आती थी ना। विशु चले ऊपर। विशु आप थोड़ी देर प्ले करके आना। ओके चले ऊपर चल के मिल। यहाँ पे विशु रुक गए झूला झूलने के लिए। अभी तक प्ले स्टेशन आया नहीं है बट विशु ने आज ये झूला झूलना स्टार्ट कर दिया है। चलो मम्मा जा रही है ऊपर, आ जाना थोड़ी देर में। ओके भैया गए और इधर मेरी मटर पनीर की सब्जी रेडी है। अभी मैं फटाफट राइस एंड रोटी बनाऊंगी और फिर हम ये खाएंगे। भाई दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो यहाँ पे रक्षाबंधन की प्लानिंग चल रही है बहना से। बस सही है, मैं ट्रेन देख लेता हूँ जरा, रुको जरा। फ्लाइट ट्रेन बच्चों को भी इन्वाइट किया जा रहा। अरे बच्चे आ जाएंगे सेकंड एसी में। मैं व्लॉग में ले रही हूँ दीदी को। ले रही हूँ ये देखो ना, मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे रक्षाबंधन की प्लानिंग चल रही है। और क्या फाइनल होता है वो भी आपको बताया जाएगा। है मिस्टर सिंह क्या रेमेडी क्या चल रहा है। विशु अपना न्यू टूथब्रश और टूथपेस्ट दिखा रहे हैं जो अभी अभी ये लेके आए रात के 11:15 दोनों घर से चले। What's going on? No. What's going on? बहुत दिन से पेंडिंग था भाई। चलो इस बार ब्लू लेके आए हैं। अच्छा आप लोगों में से अगर किसी को जानना है कि विशु कौन सा टूथब्रश, विशु क्या मतलब छोटे बच्चों के लिए कौन सा टूथब्रश और टूथपेस्ट अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे मतलब खा ही लेते हैं अक्सर बच्चे जो नया नया टीथिंग स्टार्ट मतलब वो ब्रशिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप में से किसी को जानना हो तो मुझे कमेंट करके बताना तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि हमने पीडियाट्रिशियन से हेल्प ली है कि बच्चों को कब से ब्रश कराना चाहिए और कौन सा ब्रश टूथपेस्ट ब्रश तो नहीं हाँ टूथपेस्ट पूछा था हमने कि कौन सा देना चाहिए कैसा देना चाहिए। तो चलिए भाई इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। विशु तो भाई लेट उठे हैं सो के तो शायद लेट सोएगा, बट मैं ब्लॉग एंड कर देती हूँ ताकि मैं एडिट कर सकूँ। और ऐसा कुछ खास नहीं था आज व्लॉग में, बट हम रोज खास दे भी नहीं सकते ना, सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो हमारे साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।